तो अगर आपका कोई दूसरा सेट है जे के अलावे तो भी आप इस वीडियो में बने रहें हमारे साथ, क्योंकि अगर सेट दूसरा होता है तो केवल क्वेश्चंस आगे पीछे होते हैं, बाकी के सारे क्वेश्चंस मैच खाते हैं। नमस्कार बच्चों, मैं हूं राहुल सर और आपके लिए लेके आया हूं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के सोशल साइंस के फर्स्ट सेटिंग में पूछे गए ऑब्जेक्टिव का फुल एनालिटिक सोल्यूशन। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना समय गंवाए, आइए तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि भूस्खलन एक कैसी आपदा है, तो ये एक प्राकृतिक आपदा है, प्रकृति के द्वारा काउज्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, महासागर तल के कंपन का परिणाम है सुनामी। एक चीज़ और, ऐसे तो इसको 100% सही करने की कोशिश की गई है और आप इससे मिला के कर सकते हैं कि आपका कितना या लगभग आप कर सकते हैं कि आपका कितना नंबर आ रहा है। एक आध क्वेश्चन गलत हो तो कमेंट सबसे पहले जाके चेक करेंगे, या फिर अगर कमेंट नहीं मिलेगा तो सही आंसर आप कमेंट कर सकते हैं अगर गलत हो तो, हालांकि इसको 100% सही करने की कोशिश की गई है। पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली तरंग है पी तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सुनामी का संबंध है समुद्र से। फिर आइए, काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है, मुजफ्फरपुर। फिर आइए, रेल वर्कशॉप कहां स्थित है, जमालपुर में। इन सबों में जमालपुर में रेल वर्कशॉप है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो सुनामी का प्रमुख कारण है भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, समुद्र में भूकंप ऑप्शन नंबर ए। सुखाड़ क्या है, तो सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई, ओवर इरिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 65% से 80% होती है, ऑप्शन नंबर सी। फिर आइए, निम्नलिखित जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है, डॉल्फिन पाया जाता है केवल भारत में और इसके आसपास के जो जलीय नदी क्षेत्र हैं उसमें। फिर नेक्स्ट आइए, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल चूना पत्थर, कल इवनिंग में मैंने डाला था इसमें ये दोनों क्वेश्चन था, कल इवनिंग में मैंने प्रीवियस ईयर का डाला था उसमें ये दोनों क्वेश्चन था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी दुष्प्रभावों को नष्ट करने के लिए। इसमें थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन है लेकिन आप इस यहाँ कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं। फिर किसने कहा था, मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, भारत में मतदाता होने के लिए जो 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 में आइए, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, संघीय एवं संसदीय। फिर कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड है। फिर भारत का प्रथम लौह इस्पात टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क मार्ग से संबंधित है, गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर बिहार के वाल्मीकि नगर में है, सुदूर संवेदी उपग्रह का इस्तेमाल संसाधनों की खोज के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से भूकंप का सर्वाधिक देहरादून हिमालयन रेंज की वजह से देहरादून में सर्वाधिक भूकंप की संभावना है, किसे सबसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, बिहार को ही कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, कौन सा लोकतंत्र के व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, बहुसंख्यकों का शासन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। फिर आइए, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है अलगाववाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है भूमि विकास बैंक। फिर आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नई आर्थिक नीति तीनों चीज उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों से संबंधित हैं। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लगता है, डी, नन ऑफ दीज, कोई नहीं। हिंद चीन पहुंचने वाला पहला व्यापारी था पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुई थी, राहुल के लाल लौह इस्पात उद्योग है उड़ीसा में। फिर आइए, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है, प्रगतिशील प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं है, इकहरी शासन व्यवस्था संघ राज्य की विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। सरकार संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, इसमें ब्रिटेन भी कुछ जगहों पर दिखा है लेकिन अमेरिका मैंने टिक किया, बाकी आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने राजनीति के असमानता को समाप्त कर दिया, इसमें हम देख रहे हैं कि पिछड़े वर्ग के लोग भी राजनीति में हैं नीचे से लेकर ऊपर तक।
विक्रांत काबूर को विक्टर इनेमुल ने प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर के पद पर सिलेक्ट किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था बिस्मार्क ने। फिर यहाँ ये साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था, रसिया में बोल्सेविक क्रांति अक्टूबर नवंबर 1917 में, इसे भी मैंने कल दिया था। तो अगर आपको नेक्स्ट डे के लिए भी वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इवनिंग तक वीडियो फर्स्ट सेटिंग सेकेंड सेटिंग दोनों के लिए अपलोड किया जाएगा। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, वैश्वीकरण के मुख्य अंग हैं चार। फिर आइए, कौन सी सेवा गैर सरकारी है, मॉल सेवा। 48 में आते हैं भारत की वित्तीय राजधानी, देखिए ये भी था। तो लगभग 10 क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर से लड़ गया है, तो सोचिए कि कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है आपको। अगर कल के एग्जामिनेशन के लिए वीडियो भी चाहिए प्रीवियस ईयर का सॉल्वड ऑब्जेक्टिव, तो आप हमारे CWEH ऑनलाइन स्टडी सपोर्ट को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।